Question number fifth. Let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 raised to power 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light year from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of Milky Way to be 10 raised to power 5 light year. इस क्वेश्चन में कहा गया है हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी वो 2.5 इंटू 10 रेस टू पावर 11 स्टार्स से मिलके बनी हुई है. हर स्टार का मास एक सोलर मास के इक्वल है. एक सोलर मास होता है 2 इंटू 10 रेस पावर 30 किलोग्राम. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है एक स्टार जिसका डिस्टेंस गैलेक्टिक सेंटर से 50,000 लाइट ईयर है वो कितना समय लेगा अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए. और हमें गिवन है डायमीटर ऑफ मिल्की वे इज 10 रेस्ट पावर 5 लाइट ईयर. सॉल्यूशन इज हमें जो गिवन है वो देखें मास कितना आ जाएगा पूरी मिल्की वे गैलेक्सी का मास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 11 सोलर मास. मींस एक सोलर मास के अंदर इतने किलोग्राम होते हैं तो एक स्टार का मास अपने गिवन है टोटल नंबर ऑफ स्टार हमारे पास है 2.5 इंटू 10 रेस्ट पावर 11. एक स्टार का मास हमारे पास एक सोलर मास मतलब ये हमारे पास गिवन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द गैलेक्सी आ जाएगा. मास ऑफ द गैलेक्सी जो हमारे पास निकल के आया वो आया 5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 41 किलोग्राम. दूसरा डायमीटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी गिवन है अप्रोक्सीमेट 10 रेस्ट टू पावर 5 लाइट ईयर. इसको हमने रेडियस में कन्वर्ट किए करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 4 लाइट ईयर. एक लाइट ईयर के अंदर डिस्टेंस होता है 9.46 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 15 मीटर. एक लाइट ईयर का मतलब होता है एक साल में लाइट कितना चल सकती है. तो हम अगर एक लाइट ईयर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रेडियस दिस इंटू वन लाइट ईयर मतलब कि 4.73 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 20 आ जाएगी. ये केपलर के थर्ड लॉ के अंदर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है. जो टाइम पीरियड होता है वो होता है टी इज इक्वल टू 4π² r³. r होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट बाय जी. जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एम होता है मास जिस मास के अराउंड कोई एक प्लेनेट घूम रहा होता है. जिस मास के अराउंड कोई एक मास या कोई प्लेनेट घूम रहा होता है. यहां पे मास जो लेंगे हम वो पूरी गैलेक्सी का लेंगे. पूरी गैलेक्सी का मास हमने यहां पे ऑब्टेन किया था ये रहा वो पुट कर दिया जाएगा इसके अंदर. जी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होती है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जगह हम ये रेडियस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी पुट करेंगे तो हम देखेंगे इनको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास इतने ईयर्स आ जाएगा. थैंक यू सो मच.